अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हम सभी लोग दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। और माशाल्लाह हमने ये तिरपाल लगा ली थी, तो जो ऊपर मैंने आपको शेड बता रहा था वो लगानी है, वो हमने लगा ली ऊपर। और थोड़ी सी मैंने चेंजिंग भी की है, जो मेरे ऑस्ट्रेलियन तोता वाला पिंजरा था ना, वो वाला उनके लिए मैं नया ले आया हूँ। इनके ये देखें, ये वाला जो है ना, इनको चूज़ों को नीचे कर दिया और कबूतरों के ऊपर इनका मैंने डबल कर दिया पोर्शन। इसके दरमियान में मैंने जाली लगा दी है सारी, तो वो अब डबल हो गया पोर्शन। और बाकी माशाल्लाह ये भी बिल्कुल ठीक है सारे। ये देखें, इन्होंने अपना पानी वाला बर्तन गिरा दिया, इनको भी उठा लेता हूँ मैं। और माशाल्लाह ये देखें, सिर्फ अब इतने से चूजे रह गए, दो रह गए हैं बस। ढक अभी भी मैंने इनके साथ ही बंद किया था, कुछ नहीं किया था उनको, तो फिर मैंने इनके साथ ही बंद किया। और माशाल्लाह ये कबूतर भी इसके अंदर ठीक है, और ये सील मुर्गी। और सबसे जो बड़ा सरप्राइज है हम लोग के लिए, इसके भी बच्चे निकल आए हैं। एक बच्चा इसके नीचे और एक ये बात वो देखते हैं, शायद आपको उसका फेस नजर आ रहा हो। बाकी जो अंडे थे वो ख़राब हो गए थे और उनमें से बच्चे नहीं निकले, पानी ही बन गया था उसके अंदर। और ये जो मेरा सील मुर्गा है ना, ये इनके बच्चों को मार रहा था, तो फिर मैंने इसको बाहर ही खुला ही छोड़ दिया। वो उनका मैं पानी वाला बर्तन निकाल लूँ पहले। पानी वाला बर्तन तो मैंने निकाल दिया, फिर मैं इसको बाहर ही रख देता हूँ, क्योंकि इस टाइम में इनको पानी नहीं रखता, तो इनको सुबह टाइम में रखूँगा पानी। सुबह फर्स्ट टाइम रख देता हूँ, फिर ये पी लेते हैं, उसके बाद नहीं पीते। इनकी चादर निकल जाती है ना, फिर वो बच्चे बाहर आ जाते हैं इधर से। तो माशाल्लाह ये भी बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको नीचे जाके वो अपने ऑस्ट्रेलियन तोतों का पिंजरा दिखाता हूँ। मैं नीचे जा रहा हूँ, कब्बा भी आके बैठा हुआ है यहाँ पे। माशाल्लाह ये भी बिल्कुल ठीक है। कबूतर तो मैंने आपको दिखाया, मैंने उधर रख दिए हैं। और यहाँ से तो देखे जगह खाली होगी, ऑस्ट्रेलियन तोते मैंने नीचे रख दिए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखे ये वाला बनवाया है मैंने पिंजरा, सेकेंड हैंड नहीं है ये, बिल्कुल न्यू बनवाया है। और आप देख सकते हैं, ये देखें, इसके ऊपर मैंने ये फाइबर लगवा ली थी, इससे फिर इनके अंदर पानी नहीं जाएगा। और वो देखिए माशाल्लाह सारे, मैंने इनको बीच में छोड़ दिया था रात टाइम। ये देखें, ये इनका वो खाने वाला बर्तन, और ये पानी पीने वाला। और ये देखें माशाल्लाह, बाकी आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है, मैंने दूसरा बड़े वाला पिंजरा ला के सही किया ना, जो सही करना था वो उनके लिए छोटा सा पिंजरा बाकी। और ये देखें सारा मैंने बिल्कुल सही कर लिया अब, और बताया था आपको ये चूज़ों को मारता है। इनको मैंने दाना वगैरह को सारा डाल दिया था। और ये देखें फिर रोटी भी इनको मैंने डाली थी पानी में भिगो के, इन्होंने भी खा ली है। अभी मैं इनके आगे कपड़े वगैरह खा लूँ, क्योंकि रात टाइम बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, फिर एम ये बीमार ना हो जाए। तो अभी मैं इनके लिए कपड़े तो मेरे हैं, ये देखें ना, ये वाले जो है ना, ये मैं इनके आगे खा देता हूँ रात टाइम। इनके ऊपर एक और का कपड़ा वो डालता हूँ, और वो शोर डाल रहे हैं, वो देखो चील, चील को देख के शोर डाल रहे थे। मुझे सबसे प्यारा ये वाला लगा, क्योंकि इनके लिए वहाँ पे छोटा सा वो वाला पिंजरा। अब यहाँ पे इंशाल्लाह मैं और भी कबूतर ला के रखूँगा, और एक साइड पे ये रहेंगे, एक साइड पे एक और पेयर, जो एक और दूसरा जो पेयर होगा वो आपके लिए सरप्राइज़ है। वो एक मुझे बहुत पसंद है वो जोड़ी, वो वाली मैं लेके आऊँगा इंशाल्लाह। और ये देखें अभी तो फिलहाल शाम होने लगी है, मतलब अजाने होने लगी हैं, फिर जब अजाने हो जाएंगी फिर मैं इनके ऊपर कपड़ा वगैरह डाल दूँगा सारों के ऊपर। वो देखे ना, सूरज तो डूब गया, ग्रूब हो गया वह सूरज। और जब अजाने वगैरह शुरू हो जाएंगी, मतलब कि जब अजाने ख़त्म हो जाएंगी ना, फिर मैं इनके ऊपर कपड़ा वगैरह डाल दूँगा। और जैसे आपको बताया था, इन्होंने भी अंडे दिए थे, लेकिन ये हर दफ़ा अंडे खा रहे थे वो, देखे ना उसके अभी भी लाड़ रहा है अंदर। यही वाला मुर्गा लड़ता है, मैंने आपको बताया, ये देखें अभी भी यही लड़ रहा है उसके साथ।
एक चूजा बाहर आ गया, ये वाली सेम मुर्गी है, दूसरा भी बाहर ही घूम रहा है। बाकी इंशाल्लाह आपसे कल मिलेंगे। आज का व्लॉग तो मेरा बहुत ही छोटा सा था क्योंकि मैंने सेटअप सारा चेंज किया था। मैं मैकअप आपको दिखाऊं, आपको दूर से दिखाते हैं कि देखते हैं, सारा सेटअप चेंज कर लिया मैंने, मैकअप आपको भी दिखा लेते हैं। और इंशाल्लाह आपसे सुबह टाइम मिलेंगे क्योंकि अब तो शाम हो गई है। और बाकी अल्लाह हाफिज़।